लड़कों की मसल्स का साइज कभी नहीं बढ़ पाता है। अगर आप भी उनमें से एक हैं, तो आज ही से एक ही मसल्स की एक्सरसाइज बार बार करना बंद कर दें। हफ्ते में एक मसल्स को एक या दो बार ही ट्रेंड करें और साथ ही अपना वर्कआउट भी सही तरीके से करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसीलिए हम आपको ट्राइसेप्स वर्कआउट की हर वो बड़ी गलती बताएंगे जो आपका ट्राइसेप्स साइज बढ़ने से रोकती है। नंबर वन, बारबेल ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज में हैवी वेट लेने से ट्राइसेप्स का साइज तेजी से बढ़ता है, बट कुछ लोग हैवी वेट लेने की वजह से इस वर्कआउट में अपनी कोहनियां आगे पीछे हिलाते हैं और अपनी दोनों कोहनियों के बीच के गैप को भी चौड़ा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसे हैवी वेट लेके ये एक्सरसाइज करोगे तो ये एक्सरसाइज करना बेकार है। इस तरह आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इस एक्सरसाइज को सही तरीके से करने के लिए आपको ऐसा वेट चूज करना है जिससे कि आप अपनी कोहनियों को बिना हिलाए डुलाए एक जगह लॉक करके 10 से 12 रेप आसानी से निकाल लें। नंबर टू, मशीन ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज में भी काफी लोग अपनी कोहनियों को आगे पीछे हिलाते हैं, तो कोई शोल्डर की ताकत लगाकर झटके से पुली को नीचे करता है, तो कोई नीचे तक अपने हाथ पूरे सीधे नहीं करता, जो कि बिल्कुल गलत है। इस वर्कआउट को सही तरीके से करने के लिए आपको अपनी पूरी बॉडी एक जगह लॉक करके सिर्फ कोहनी से नीचे के हाथों को ही हिलाना है और पुली को नीचे ले जाते वक्त आपको अपने हाथ नीचे की ओर बिल्कुल सीधे कर देने हैं और अपनी कलाइयों को भी नीचे की ओर से अपनी ओर मोड़े और कुछ सेकंड यहीं ट्राइसेप्स के लोड पे रुककर फिर ऊपर उठाएं। नंबर थ्री, रॉप ट्राइसेप्स पुश डाउन। इस एक्सरसाइज में भी काफी लोग कोहनी आगे पीछे हिलाते हैं और झटके मार के अपने हाथों को नीचे लेकर आते हैं और ना ही अपने हाथों को पूरी तरह खोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस एक्सरसाइज को सही तरीके से करने के लिए आपको इस एक्सरसाइज में बिल्कुल लाइट वेट लेना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लास्ट में ली जाती है और ये आपकी ट्राइसेप्स कटिंग के लिए होती है, इसीलिए इसमें ज्यादा वेट ना लें। कम वेट के साथ 20 से 25 रेप निकालें। दूसरी चीज, ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको अपनी कोहनी नहीं हिलानी है और जब रोप यानी रस्सी नीचे लाओ तो अपने हाथ रस्सी को चीरकर पूरे सीधे कर दो और कुछ सेकंड यानी एक या दो सेकंड रुककर फिर नॉर्मल छोड़ दो। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के कहने का तात्पर्य यानी मतलब ये है कि जब भी आप ट्राइसेप्स की कोई भी एक्सरसाइज करें तो आपको अपने शोल्डर और कोहनी के जोड़ों को आगे पीछे बिल्कुल नहीं हिलाने हैं और अपने हाथों को ट्राइसेप्स के मेन लोड पर बिल्कुल सीधे करके एक या दो सेकंड रोकें। ये बात आपको ट्राइसेप्स की हर एक्सरसाइज पर फॉलो करनी है और फिर आप खुद देखना आपको कितनी तेजी से रिजल्ट मिलता है। आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।